हेलो गाइज, वेलकम टू बिंटू शूट्स। मेरा नाम है राहुल और आज इस वीडियो में हम करेंगे एक मैसिव कंपैरिजन रेडमी नोट 5 प्रो और शाओमी मी A1 का। तो बने रहिए हमारे साथ, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाला है और काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हम कवर करेंगे जो आपको दूसरे वीडियोस में शायद देखने को ना मिले। तो दोस्तों, शाओमी मी A1 और रेडमी नोट 5 प्रो दोनों ही फ़ोन के 4GB 64GB के वेरियंट आते हैं 13,999 यानी 14,000 रुपये की प्राइस में। मी A1 अब तक काफ़ी अच्छा फ़ोन रहा है मार्केट में और नोट 5 प्रो अभी लेटेस्ट लॉन्च है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो मी A1 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर, जिसमें कि ज़्यादा हीटिंग इश्यूज़ नहीं है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, हैवी गेम्स भी इसमें अच्छे से चल जाते हैं। जबकि नोट 5 प्रो की अगर बात करें तो उसमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 636 लेटेस्ट प्रोसेसर, है पहला फ़ोन है जो इस प्रोसेसर के साथ आता है मार्केट में। और इस प्रोसेसर में आपको खासियत ये है कि मिलते हैं क्रायो कोर्स क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के, जो पहले आपको सिर्फ स्नैपड्रैगन के 800 सीरीज़ में देखने को मिलते थे। तो काफ़ी अच्छी फास्ट परफॉर्मेंस है इस प्रोसेसर की। और हीटिंग की बात करें तो अगर आप गेम्स भी खेलते हैं तो नोट 5 प्रो मैक्सिमम 35 से 36 डिग्री तक ही हीट होता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा हीटिंग नहीं है। और वैसे ही इसमें एफिशिएंट बैटरी लाइफ है, 14 नैनोमीटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे नोट 5 प्रो का भी प्रोसेसर बना हुआ है मी A1 की तरह। दोनों फ़ोन्स में अगर आपको फ़र्क जानना है तो जब दोनों फ़ोन्स को साइड बाय साइड अगर कोई यूज़ करेगा तो ही फ़र्क पता पड़ेगा आपको, क्योंकि नोट 5 प्रो में ऐप्स जल्दी लोड होती हैं, गेम्स जल्दी लोड होते हैं। अगर आप कोई भी फ़ोटो प्रोसेसिंग की ऐप यूज़ करते हैं जिसमें आप फ़ोटो पे फिल्टर लगाते हैं तो वो ऐप्स काफ़ी इंटेंसिव होती हैं, उनमें नोट 5 प्रो आपको जल्दी रिजल्ट्स दे देगा, जबकि मी A1 में ज़्यादा समय लगेगा। और बैकग्राउंड में जैसे जैसे आपकी ऐप्स ज़्यादा होती जाएंगी, मी A1 की परफॉर्मेंस नोट 5 के कंपैरिजन में स्लो होती जाएगी। दोस्तों, एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो शायद बहुत ही कम रिव्यूज़ में आपको सुनने को मिला होगा, वो है कि नोट 5 प्रो में LPDDR4X टाइप की रैम आपको मिलती है। ये काफ़ी हाई परफॉर्मेंस रैम है। ये रैम आपको OnePlus 5T और जो टॉप के फ़ोन्स आते हैं दूसरे ब्रांड्स के, उन्हीं में देखने को मिलती है, जबकि मी A1 में आपको मिलती है LPDDR3 रैम। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों में एक्चुअली फ़र्क क्या है। तो दोस्तों, LPDDR4X रैम DDR3 रैम के कंपैरिजन में करीब 50 से 60% ज़्यादा परफॉर्मेंस में फास्ट है और सेम टाइम पे करीब अगेन 50% कम पावर लेती है। तो ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलती है आपको नोट 5 प्रो की रैम में और कम बैटरी भी यूज़ होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से नोट 5 प्रो की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मी A1 से, जबकि नोट 5 प्रो पे मी UI है और मी A1 पे स्टॉक एंड्रॉयड है जो काफ़ी फास्ट माना जाता है। दोस्तों, स्क्रीन की बात कर लें अगर स्क्रीन क्वालिटी की, अब तो मी A1 में आपको 5.5 इंच की स्क्रीन मिलती है फुल HD, जबकि नोट 5 प्रो में आपको 5.99 इंच ऑलमोस्ट 6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है। लेकिन ये डिस्प्ले 18:9 एस्पेक्ट रेशियो में है, तो इसमें आपको कम बेजल्स देखने को मिलती हैं और बड़ा डिस्प्ले होने के बाद भी नोट 5 प्रो का साइज़ मी A1 के बराबर ही है। दोनों फ़ोन में आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि फाइनली शाओमी ने रेडमी के नोट सीरीज़ में प्रॉपर गोरिल्ला ग्लास लगाया है और क्लियरली बोल दिया है कि गोरिल्ला ग्लास ही लगा हुआ है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर नंबर्स की बात कर लें तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको 83% मिलता है नोट 5 प्रो में, जो बहुत ही बेहतर है, जबकि 71% मिलता है मी के A1 में। और एक बेहतर बात जो नोट 5 प्रो के स्क्रीन में है वो है कॉन्ट्रास्ट रेशियो। मी नोट 5 प्रो में आपको मिलता है 1500:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो, जबकि मी A1 में 1000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। बेहतर कॉन्ट्रास्ट रेशियो होने से जो ब्लैक और वाइट का फ़र्क है वो आपको स्क्रीन में ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता है। और दोनों ही डिस्प्ले आपके बराबर ब्राइट हैं, दोनों में ही 450 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की। तो नोट 5 प्रो में आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिसमें एक LED फ्लैश भी है साथ में सेल्फी के लिए, जबकि मी A1 में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और कोई LED फ्लैश नहीं है। क्वालिटी भी नोट 5 प्रो की काफ़ी बेहतर है कैमरा के हर लाइटिंग कंडीशन में, चाहे वो डार्क कंडीशन हो, चाहे ब्राइट कंडीशन हो, दिन की कंडीशन हो, बेहतर क्वालिटी आपको नोट 5 प्रो में ही मिलती है। शाओमी ने सॉफ्टवेयर बेस्ड बोके मोड या बैकग्राउंड ब्लर का भी इफ़ेक्ट दिया है नोट 5 प्रो में, जो काफ़ी बेहतर तरीके से काम करता है। ये एक एडवर्टाइजिंग बेस्ड गिमिक नहीं है, ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। इनफैक्ट एक आदमी का ही पोर्ट्रेट मोड नहीं, अगर ग्रुप में 2-3 लोग हैं तो वो सारे फेसेस को आइडेंटिफाई करके फ्रंट कैमरा और सबके अराउंड एक प्रॉपर एज को डिटेक्ट करके बोके मोड बना देता है, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो मी A1 में बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रंट कैमरा तो बहुत ही बेहतर है नोट 5 प्रो का,
अगर रियर कैमरास की बात करें तो मी एवन में आपको मिलते हैं 2 12 मेगापिक्सल के कैमरास, जिसमें कि एक है टेलीफोटो लेंस जो 2x तक जूम कर सकता है, जबकि नोट 5 प्रो में आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के दो कैमरास, दोनों RGB लेंसेज हैं, लेकिन 5 मेगापिक्सल का कैमरा बैकग्राउंड को ब्लर करने में बोके मोड बोके शॉट्स में मदद करता है। तो दोस्तों अगर दोनों कैमरास की बात करें तो ऑलमोस्ट हर कंडीशंस में अगर नेचुरली फ़ोटोज़ देखी जाए तो नोट 5 प्रो की फ़ोटोज़ बेहतर आ रही हैं मी एवन से। उनके कलर्स ज़्यादा बेटर हैं, विविड हैं, नेचुरल हैं, जबकि मी एवन के फ़ोटोज़ में एक ब्लूइश सा टिंट है कंपैरिजन में देखें तो। उसके अलावा अगर बोके मोड शॉट्स की बात करें तो यहाँ पे मी एवन थोड़ा बेहतर है नोट 5 प्रो के मुकाबले। जो बैकग्राउंड का ब्लर है वो मी एवन में ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग मिलता है, लेकिन मी एवन की फ़ोटोज़ थोड़ी सी जूम्ड इन दिखती हैं कंपेयर्ड टू नोट 5 प्रो, जिसमें आपको ज़्यादा वाइड फ़ोटो मिलती है। बैकग्राउंड का ब्लर कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा सा कम है मी एवन के मुकाबले, लेकिन काफ़ी अच्छी बोके शॉट्स मिलते हैं आपको नोट 5 प्रो में भी। और अगर डार्क लाइटिंग कंडीशंस की बात करें तो वहाँ पे नोट 5 प्रो मी एवन से काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है। दोस्तों अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो वीडियो रिकॉर्डिंग में नोट 5 प्रो काफ़ी बेहतर है मी एवन से। उसमें आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन, वो ऑन करते ही आपके वीडियोस जब आप रिकॉर्ड करते हैं नॉर्मली हाथ में भी फ़ोन को लेके, तो उसमें बिल्कुल भी आपको शेक देखने को नहीं मिलता, बहुत ही कम शेक देखने को मिलता है, जबकि मी एवन में आपके वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा शेक देखने को मिलता है, तो आपको हाथ एकदम स्टिल रखना होगा। तो नोट 5 प्रो का कैमरा वीडियो के मामले में भी बेहतर है मी A1 से। दोस्तों बैटरी की बात कर लेते हैं तो नोट 5 प्रो में 4000 mAh की बैटरी है, जबकि मी A1 में 3000 mAh की बैटरी है। दोनों ही फ़ोन्स के साथ आपको नॉर्मल चार्जर मिलता है बॉक्स में, और अगर उस चार्जर से आप चार्ज करते हैं तो दोनों फ़ोन्स को चार्ज होने में करीब 2.5 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है। लेकिन जो नोट 5 प्रो है, अगर आप उसको एक फास्ट चार्जर से चार्ज करने की कोशिश करते हैं तो वो 9V 2A यानी 18W तक की फास्ट चार्जिंग भी कर लेता है, जो कि QC 2.0 के बराबर की फास्ट चार्जिंग है। अगर आप फास्ट चार्जर से चार्ज करेंगे तो नोट 5 प्रो आपका 2 घंटे 10 मिनट में पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, लेकिन मी A1 हमेशा स्लो चार्ज होता है, उसमें फास्ट चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो नोट 5 प्रो आपका 1.5 से 2 दिन तक चल जाता है, जबकि मी A1 जो है आपका वो सिर्फ 1 दिन चलता है मॉडरेट यूज़र के लिए। अगर आप हैवी यूज़र हैं तो आपका मी A1 शाम होने तक आपको फिर से चार्ज करना पड़ सकता है। दोस्तों अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही फ़ोन्स में मेटल बिल्ड हैं, ऑलमोस्ट सेम तरह का डिज़ाइन है, हाथ में लेने पे भी दोनों फ़ोन्स एक ही जैसे लगते हैं। नोट 5 आपका थोड़ा भारी है, 181 grams उसका वेट है, जबकि मी A1 आपको 170 gram का वजन के साथ मिलता है। उसके अलावा नोट 5 प्रो में अभी भी पुराना USB 2.0 पोर्ट दिया है Xiaomi ने, पता नहीं क्यों, लेकिन मी A1 में आपको मिलता है USB का टाइप सी जो लेटेस्ट है पोर्ट है। उसके अलावा दोनों की बिल्ड ऑलमोस्ट बराबर है, फोन्स के साइज़ भी ऑलमोस्ट बराबर हैं, जबकि नोट 5 प्रो में आपको बड़ा स्क्रीन मिलता है। दोस्तों सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो यहाँ पे मी A1 में आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है गूगल की तरफ से, और फिलहाल ये फ़ोन एंड्रॉयड ओरियो पे रनिंग है, जबकि नोट 5 प्रो में अभी भी आपको एंड्रॉयड नोगट ही मिलता है, लेकिन MIUI 9 का 9.2 लेटेस्ट वर्जन आपको मिलता है। अब Xiaomi कब नोट 5 प्रो को ओरियो पे अपडेट करेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि मी A1 में एंड्रॉयड P तक का अपडेट आपको गारंटीड मिलेगा गूगल की तरफ से, क्योंकि ये एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम में है, तो ये एक बात आपकी देखने वाली हो जाती है। हालांकि सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो नोट 5 प्रो में जल्दी ही फेस अनलॉक का भी सपोर्ट आने वाला है। जी हाँ, आप बस फ़ोन का पावर बटन प्रेस करिए और फ्रंट कैमरा आपका फेस डिटेक्ट करके फ़ोन को अनलॉक कर देगा। ये जो फीचर है नोट 5 प्रो में आएगा मार्च के एंड तक एक OTA अपडेट से, ऐसा Xiaomi ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। और दोस्तों बाकी सारे फीचर्स की अगर बात करें तो दोनों ही फ़ोन्स में जो 3.5mm का ऑडियो जैक है वो अच्छी साउंड देता है। मी A1 की साउंड क्वालिटी थोड़ी अच्छी है नोट 5 प्रो से। दोनों के लाउड स्पीकर काफ़ी अच्छे खासे लाउड हैं, आपकी कोई कॉल्स मिस नहीं होंगी। दोनों के वाइब्रेशन भी अच्छे हैं। दोनों फ़ोन्स में आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपने AC और TVs को कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ोन को रिमोट की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों फ़ोन्स के सिग्नल, नेटवर्क रिसेप्शन और कॉल क्वालिटी भी अच्छी है, तो बाकी चीज़ों में कोई ऐसी शिकायत नहीं है दोनों ही फ़ोन्स में। तो दोस्तों अगर फाइनली हम कंक्लूजन की बात करें और विनर की बात करें तो मी A1 में सिर्फ एक ही बात है कि उसका जो बोके मोड का शॉट्स है वो थोड़ा सा बेहतर है नोट 5 प्रो से, लेकिन थोड़ा ही बेहतर है। लेकिन बोके शॉट जो बेहतर है उसमें आपकी फ़ोटो में थोड़ा जूम ज़्यादा रहेगा, जबकि नोट 5 के बोके शॉट्स में आपको वाइड फ़ोटो मिलेगी थोड़ी, लेकिन जो बैकग्राउंड का ब्लर है वो थोड़ा सा कम होगा मी A1 से। तो यहाँ भी एक 19-20 वाली बात है। और मी A1 में आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड गूगल की तरफ से, जो कि नोट 5 प्रो में बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड प्रेफर करते हैं तो शायद आप मी A1 को
प्रेफर करने का सोचें अभी भी, लेकिन नोट 5 प्रो में आपको मिलता है बेहतर स्क्रीन, बेहतर बैटरी, बेहतर कैमरा, बेहतर परफॉर्मेंस। तो दोस्तों हर तरह से नोट 5 प्रो ही एक बेहतर फ़ोन है आपके लिए। तो अगर आप 14,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो नोट 5 प्रो ही खरीदें। अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड इतना पसंद करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि XDA पे जाइए, थोड़ी सी रीडिंग करिए, फ़ोन को रूट करिए और कोई भी स्टॉक एंड्रॉयड जैसी दिखने वाली लीनियज OS या कोई भी और रोम फ्लैश कर लीजिए नोट 5 प्रो में, तो भी आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा बजाय कि आप Mi A1 लें जिसमें आपको एक पुराना प्रोसेसर मिलता है और एक पुराने स्टाइल का बिल्ड मिलता है जबकि कीमत दोनों की सेम है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं स्टॉक एंड्रॉयड को तो गूगल का पिक्सल लॉन्चर बड़ी ही आसानी से आप किसी भी फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ एक ऐप आपको इंस्टॉल करनी है, कोई रूट वूट की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और अपने MIUI के फ़ोन पे यूज़ भी कर रहा हूं। लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा वीडियो का, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और नोट 5 प्रो में भी काफ़ी आसानी से आप गूगल का पिक्सल लॉन्चर यूज़ कर सकते हैं, सारे फीचर्स गूगल नाउ सबके साथ। तो दोस्तों फाइनल जो मेरा कंक्लूजन है वो ये रहेगा कि अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड पसंद करते हैं तो नोट 5 प्रो खरीदिए और कस्टम रोम फ्लैश कर लीजिए। अगर आपको बेहतर कैमरा चाहिए, बेहतर लॉन्ग बैटरी चाहिए, अच्छा स्क्रीन चाहिए तो आपको नोट 5 प्रो ही बेहतर रहेगा Mi A1 के कंपैरिजन में। और अगर आप 1.5 से 2 साल तक अपना फ़ोन रखना पसंद करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि थोड़े ज़्यादा पैसे मिलाइए 14,000 में और 6GB वाला वर्जन ले लीजिए नोट 5 प्रो का, जो कि एक अल्टीमेट फ़ोन रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछिए, हो सकता है कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो वो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा नीचे कमेंट्स में। और अगर आप हमारे साथ अब तक नहीं जुड़े हैं तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सब्सक्राइब का ऑप्शन है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमें बेल को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले, आप इन्जॉय कर सकते हैं और भी वीडियोस जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो आपसे मिलता हूँ जल्दी एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।